धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने इस विषय पे मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी 3 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। पूरे देश में महिलाओं को बलात्कार के मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर, और आज अनशन का 10वां दिन हो गया, 11वां दिन हो गया माननीय, लेकिन सरकार के किसी प्रतिनिधि ने अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं की। जो उनकी मांग है वो बहुत ही जायज मांग है, बहुत ही जेन्यून मांग है, और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें जो मांगे हैं माननीय, उसमें है कि निर्भया के मामले में फांसी की सजा जो सुनाई गई है उसको लागू किया जाए और उन जो अपराधी थे उनको फांसी दी जाए। इसमें मांग है 6 महीने के अंदर बलात्कारियों को उनकी सुनवाई करके सजा दी जाए। संजय जी, वी आर यू हैव गिवन नोटिस फॉर अ लार्जर इशू, यू हैव मेंशन दैट फर्स्ट नथिंग रॉन्ग, बट यू हैव टू स्पीक ऑन इमीडिएट पनिशमेंट इन रेप केसेस। व्हाट आर योर सजेशंस? व्हाट इज इट यू वांट गवर्नमेंट टू एक्ट? इफ यू स्टार्ट रीडिंग दैट, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ। एक एक पॉइंट है सर, एक एक पॉइंट। नहीं नहीं, आप दो तीन पॉइंट भी बताओ, मगर व्हाट इज इट यू वांट? एक एक पॉइंट सर। पुलिस कर्मियों की 66,000 भर्ती की दिल्ली में कमी है, और पूरे देश में पुलिस कर्मियों की भर्ती की कमी है सर, उसकी भर्ती कराई जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ज्यादा से ज्यादा गठन पूरे देश भर में किया जाए, जिससे मामले की सुनवाई बलात्कार के मामले में जल्दी हो सके और सजा हो सके। निर्भया फंड जो बनाया गया था वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सुझाव है माननीय। माननीय सॉफ्टवेयर बना के जो पुलिस कर्मी हैं ऐसे मामलों में उनकी जवाबदेही तय की जाए, एक डिजिटल सिस्टम पूरे देश के अंदर बनाया जाए जिससे पुलिस वालों की जवाबदेही एक निश्चित की जाए सॉफ्टवेयर बना के। ये 5-6 प्रमुख मांगे हैं, और आपके माध्यम से मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए जाइए और स्वाति मालीवाल का अनशन खत्म कराइए। 11 दिन हो गया है माननीय, उनके जीवन को संकट आ सकता है, इसलिए आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ।